हाय गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और गाइस, आज का व्लॉग बहुत ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज हम मैं और शिशु अपना मोबाइल देने लगे हैं बच्चों को, और बच्चों को देखेगा कि आज वो क्या चवले मारने वाले हैं, कितना आपको इंटरटेन करने वाले हैं और कितना हमारा सर खाने वाले हैं। नेवर। चिकू, आप क्या पी रहे हो? दूध। और मैं पे दूध मिल्क। और तू? दूध मिल्क। अल्लाह, इतना लेंज 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 लेंज। आपका दूध मिल्क जो उसने अभी तक पी चुकी है, और ये भूखे लेंजों की तरह पी रहे हैं। जैरी अपना ख़त्म कर चुका है, शैरी अपने लेंजों की तरह पी रहा है, चीकू भी लेंजों की तरह पी रहा है। मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं चुप करके आराम सुकून से पी रहा हूँ। चीकू, आप बताएं कि अमीर कैसे पीते हैं दूध, और हम इतने भी बुरी तरीके से नहीं पीते हम। चल झूठा। चीकू, ये कुछ खाते हुए और डेरी मिल्क खा रही है, बबली है। और आपके हाथ पे क्या हुआ ये? फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा वाकया बयान करती हूँ। स्कूल ना हमारे ना, मतलब एक दो गली बाद ना हमारा स्कूल आता है, तो ना हम वापस आ रहे, सामने से एक बाइक आई, शिनाया बाइक में, चीकू बाइक में बचा और चीकू बाइक से नीचे गिर गया बाइक से नीचे गिर गया और चीकू की एक ये खरोश लगी है, दूसरी खरोश दिखाओ और अपनी बाजू पे दिखाओ कहाँ लगी है और कितने वे और ये शनाया को खरोश, चीकू को खरोश लगी है और ये हाथ पे भी और चीकू को, और ये देखे हमारी बेला छोटा छोटा, आज आपको बेला सही नजर आई होगी। चलो चलो इसको छोड़ो। तो चीकू, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको इतनी बुरी चोट लगी है और चीकू को टेटनस का टीका भी लगा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं चीकू आप? और हैशटैग एक्सीडेंट। क्या करें, सबकी आती नहीं, हमेशा आती नहीं, छोटी बच्ची हो क्या? चीकू को दोबारा पब्लिक खाते हुए पकड़ लिया है। इतनी बबली खा रही है, ये दिखा रही है मम्मी, मुझे मेरी मासूम ने लेकर दिया और इतनी ये जो बबली खा रही है, इतनी बबली खा रही है, देखो मेरे दांत खा खा के। सुबह ब्रश किया, दिखा दोबारा दिखा। अल्लाह, इसके दांत इतने डिंगे चिपके, और वो देखे बेला कहाँ बैठी। इसकी गाइड फ्रेंड्स ग्रीन आईज इस वक्त हुई है, वैसे इसकी ब्लू है। ओके बेला, आते हुए बेला छोड़ दे बस। एंड फ्रेंड्स, एक न्यू अच्छी बहुत खुशखबरी आप लोगों के लिए, बेला 3 मंथ्स की हो चुकी है। अच्छा, हमको सिखा रही है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कौन सी, अगर आप लोगों ने हमारा व्लॉग देखा होगा ग्रोसरी शॉपिंग वाला, तो उसमें आपने देखा होगा हम लाए थे एक बड़ी मज़ेदार चीज़, तो वो कौन सी है यार, आपको बता रहे थे। तो वो है ये कनौर का हॉट कोरियन किमची रेमन। तो मुझे ना, मुझे रेमन खाने का बहुत शौक था एंड मुझे बहुत शौक था, और मैंने इस दफ़ा फाइनली हमने ले लिया है। एंड ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है एंड हमने अल्ट्रा स्पाइसी वाला फ्लेवर लिया होगा, तो बस पता नहीं क्या होने वाला है। तो चलो अभी हमारे साथ आओ, हम आपको पहले हम बनाएंगे इसको, हम बनाएंगे बताएंगे कि कैसे इसको बनाना है, ठीक है? एंड देन मैं और चीकू चैलेंज करेंगे कि हम दोनों में से कौन इसको विन कर सकता है। तो देखते हैं लास्टली कौन इसको खा सकता है। मैं तो वैसे पहले बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा चुकी हूँ, मेरे लिए तो थोड़ा सा आसान होगा, चीकू का हाल देखते हैं। सो देखते हैं, चलिए शुरू कीजिए। अ फ्यू इंचेस लेटर। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये कनौर का सिंज 1938 एंड होट कोरियन किमची रेमन है, इसका नाम फोजोन है एंड इसकी पीछे डिटेल्स दी गई हैं। एंड ये एक माइल्ड है, एक हॉट है और ये फेरी हॉट है, तो मैंने फेरी हॉट मसाला लिया हुआ है। एंड इसकी प्राइस भी, मतलब ये सारे इन्होंने डिटेल्स भी देखी हुई हैं एंड इधर इन्होंने सारा बताया है कि कैसे बनाना है
बनाना है तो सबसे पहले इसको हमने एक 3 कप्स हमने वाटर लेना है, देन उसको बॉयल करना है, देन उसमें इसको डालना है, हमने लेमन को डालना है इसके नूडल्स को, देन उसको एक बॉल में से निकाल लेना है, साइड पे रख लेना है। देन हमने एक 3 टेन टेबल स्पून हमने ने पानी लेना है एक पैन में, देन उसमें मसाला ऐड करना है, उसको मिक्स करना है, देन उन मसाले वाले देन उस मसाले वाले सूप में हमने रेमन डाला एंड देन पूरा रेमन मिक्सचर बन जाएगा। तो आओ बनाते हैं, हमारे साथ मिलकर बनाते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं किचन में अपने नूडल्स को बनाने, एंड ये है वो बाउल जिसमें हम अपने नूडल्स डालने हैं, और ये मेरा फेवरेट बाउल है, मुझे बहुत पसंद है। देन अभी चलो हम अपने नूडल्स बनाते हैं, एंड देन बेला भी हमारे साथ इधर नूडल्स बनाने आ गई है। हेलो बेला, आप इधर भी आ गई हो? बोलो 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 बोलो। तो चलो आओ शुरू करते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है इंजॉय कुकिंग टाइम, तो आज हम अपना सारा कुकिंग टाइम इंजॉय करेंगे एंड देखते हैं कितना मज़ा आता है। और मुझे तो बहुत मज़ा आएगा, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। नूडल्स हमने फ्रेंड्स अभी स्टेन कर लिए हैं, वो हम बेसकी को धो रहे हैं, एंड आपने पूरा सिंक इग्नोर करना है क्योंकि सिंक बहुत गंदा है। एंड आओ नूडल्स इसके अंदर से जो मसाला निकला, फ्रेंड्स अभी हम नूडल्स को ये छपक एंड सारे नूडल्स हमने ये सारा सारा मसाला डाल दिया। ओह माय गॉड, ये तो गाइस बहुत कम निकला है। नहीं अभी तुम स्पाइस चेक करके बताना कि मसाला कम है कि कम ज़्यादा है। तो अभी हम लोग मसाला मसाला डाल देंगे गाइस। हमारे पास चॉपस्टिक नहीं है ना, फिर जो मज़ा आना था ना, लेकिन हमारे पास हमारे दिल हैं, हमारे अरमान हैं, जिन अरमानों के साथ जिन दिलों के साथ हम इसको खाएंगे अभी। एंड देखने में काफ़ी स्पूकी लग रहा है, मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। तो चलो आगे अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। जनता माफ नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग खाने वाले हैं, तो जल्दी खाएं और भी काम है जिंदगी में। वो भी बाहर लटक रहा है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है ना, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, इसकी स्मेल इतनी गंदी है ना। चलो खाओ, कोई रिएक्शन कोई नहीं देना। स्मेल वाकई बड़ी अजीब सी है, चेन क्यों रहा है उससे, उसको खत्म तो कर लेने दे। बाजी बस करो, तुम लोग तो लगता पसंद आ गई है, बहुत टेस्टी है, मुझे भी खाना है, लेकिन स्पाइसी नहीं है। नहीं स्पाइसी काफी है। तुम लोगों ने दूसरा खाना नहीं था, मुझे लगता कि है ना बातें बनी हुई है, उतना स्पाइस नहीं है, वरना तुम लोग जैसे लड़ रहे हो ना वैसे ये सही नहीं था होना, उतने नहीं है ना बातें बनी हुई हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये साबित कर दिया कि वो जो स्पाइसी के व्लॉग बना बना के ड्रामे करते हैं ना, वैसा कोई सीन नहीं है, इतने छोटे छोटे बच्चे खा सकते हैं, तो इट्स मीन कि ये बियरेबल है। तो इसीलिए खाने का हमें इनको आ रहा है मज़ा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।